अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, बाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लच्छेदार पकौड़ा कैसे बनाया जाता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सामान तैयार करके रख लिया। अब मैं जितनी जितनी मकदार में मुझे चाहिए था मैंने तैयार कर लिया। अब एक बोल लेंगे, उसमें लंबा स्लाइसेस में कटे हुए प्याज शामिल करूंगी और आलू शामिल करूंगी जो मैंने लंबाई में बारीक बारीक काटे हैं। अब इसमें पालक शामिल करूंगी, बंद गोभी और हरी मिर्चें ये शामिल करूंगी और कुछ स्पाइसेस शामिल करूंगी, जिसमें नमक है, लाल मिर्च, सूखा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं मकदार में, तो मुझे जितनी चाहिए थी मैंने शामिल कर दी। अब मैं इसमें बेसन शामिल करूंगी, ये चीज़ें ज़्यादा हों और बेसन आप इसमें कम डालें, फिर ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के पकौड़े बनेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जितना मुझे चाहिए और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका अच्छा सा बैटर बनाऊँगी, ना ये ज़्यादा पतला हो ना ये ज़्यादा सख्त हो। हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी, चम्मच वगैरह से अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। ये देखें मैंने बैटर बना लिया सब चीज़ें मिक्स करके। अब मैं घी गर्म होने के लिए रखूँगी और इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके पकौड़े डालती जाऊँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। इस तरह एक एक करके डालती जाऊँगी। ये देखिए घी अच्छी तरह गर्म हो गया है हमारा। और इनको थोड़ी देर पकने देंगे, फिर इनकी साइज चेंज करेंगे। फौरन या आप लोगों ने चेंज नहीं करना वरना पकौड़े टूट जाते हैं। ये देखा मैं साइज चेंज कर रही हूँ, ये देखें नीचे से कितने अच्छे पके हैं। इनको अब मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे। ये देखें पकौड़ों का कलर कितना अच्छा आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। पूरे भरे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं देखने में और खाने में भी और भी टेस्टी थे। अब मैं इस तरह बाकी भी पकौड़े शामिल निकाल लूँगी फ्राई करके। सर्दियों का मौसम है, इसमें कुछ ना कुछ खाने को दिल करता रहता है, तो इस तरह आप लोग भी लच्छेदार पकौड़े बना के ट्राई करना, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अपने बच्चों को बना के दें और इंजॉय करें चाय के साथ। ये देखें ये भी पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। ये देखें मैंने निकाल लिया, अब ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये अंदर से देखें बिल्कुल पके हुए हैं और बाहर से इतने क्रिस्पी हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। इस तरह आप लोग सर्व करें मेहमानों को। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।